इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हों, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अयोध्या धाम